हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में पैराबोला बाय टेंजेंट मेथड ये टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या रहेगा, उसके लिए क्वेश्चन रहेगा, अ फाउंटेन जेट डिस्चार्जेस वाटर फ्रॉम ग्राउंड लेवल एट एन इंक्लिनेशन ऑफ 45 डिग्री टू द ग्राउंड। द जेट ट्रेवल्स अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 7.5 मीटर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ डिस्चार्ज एंड फॉल्स ऑन द ग्राउंड। ट्रेस द पाथ ऑफ जेट एंड नेम द कर्व। तो देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है, इसका सॉल्यूशन हमें ड्रॉ करना है और सॉल्यूशन ड्रॉ करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम में यूज किए थे। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन में क्या दिया है वो हम पहले चेक करेंगे, देन आफ्टर इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। क्वेश्चन हमने आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन में जो लिखा है अ फाउंटेन जेट, देखो यहां पे फाउंटेन जेट आपको किस तरह से होता है वो पहले हम आपको बता देते हैं। जैसे आप कोई गार्डन में वगैरह गए तो वहां पे आपको फाउंटेन जेट दिखता होगा जिसमें ग्राउंड लेवल से एक ऐसे यहां पे ये देखिए इस तरह से ऐसा फाउंटेन जेट ऐसे वाटर यहां से इस तरह से निकलता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में लिखा है अ फाउंटेन जेट डिस्चार्जेस वाटर फ्रॉम ग्राउंड लेवल एट एन इंक्लिनेशन ऑफ 45 डिग्री टू द ग्राउंड। इसका मतलब ये जो फाउंटेन जेट है ये वाटर को डिस्चार्ज कर रहा है एट एन इंक्लिनेशन ऑफ 45 डिग्री। ये देखो ये जो एंगल है ये 45 डिग्री है टू द ग्राउंड, ठीक है। ये इस तरह से ऐसे वाटर जो है फाउंटेन जेट ऐसे डिस्चार्ज कर रहा है इस तरह से ऐसे। तो क्वेश्चन में लिखा है आगे द जेट ट्रेवल्स अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 7.5 मीटर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ डिस्चार्ज एंड फॉल्स ऑन द ग्राउंड। अब जाहिर सी बात है ये जो फाउंटेन जेट है ये वाटर को डिस्चार्ज करने के बाद ये वाटर जो है इस तरह से अपना पाथ जो है वो ऐसे ट्रेवल करेगा और कुछ देर के बाद वो फिर से ऐसा नीचे जाएगा इस तरह से और यहां पे इस तरह से वो फॉल होगा ग्राउंड लेवल पे, है ना। तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन में अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 7.5 मीटर, ये देखिए यहां पे पॉइंट ऑफ डिस्चार्ज ये है और ये पॉइंट ऑफ यहां पे फॉल ये है, तो यहां से लेके यहां तक का ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है, तो ये 7.5 मीटर है ऐसा क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, और ये मीटर में दिया है, ओके। और ये देखिए इस तरह से, तो ये जो पाथ है ये किस टाइप का पाथ हो गया, तो ये पैराबोलिक पाथ हो गया। ये जो वाटर है ये वाटर यहां से डिस्चार्ज हुआ और ये पैराबोलिक पाथ में जो है इस तरह से ये वाटर जो है वो यहां पे फॉल हुआ है। क्वेश्चन में आगे पढ़ेंगे, क्वेश्चन में लिखा है ट्रेस द पाथ ऑफ जेट एंड नेम द कर्व। इसका मतलब ये यहां पे जो वाटर है ये वाटर के पाथ को हमें ट्रेस करते हुए एक कर्व हमें ड्रॉ करना है और ये कर्व को हमें नेम देना है। तो जाहिर सी बात है जैसा हमने कहा कि ये जो वाटर का जो पाथ है ये पैराबोलिक पाथ है, तो जाहिर सी बात है हमें जो कर्व यहाँ पे ड्रॉ करना है ये पैराबोला ड्रॉ करना है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जब ये प्रॉब्लम एग्जाम में सॉल्व करते हैं तो वो सिर्फ एक ही जगह पे कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे जो कर्व बनेगा वो किस टाइप का कर्व बनेगा, क्योंकि देखो क्वेश्चन में कौन सा कर्व बनेगा ये दिया हुआ नहीं है। एलिप्स बनेगा या पैराबोला या हाइपरबोला या साइक्लॉइड, किस टाइप का कर्व बनेगा कर्व का यहां पे नाम दिया हुआ नहीं है। तो यह समझना बहुत जरूरी है कि यहां पे जो है वो पैराबोलिक ऐसा कर्व बनेगा, तो हमें पैराबोला ड्रॉ करना है ये कंफर्म है। लेकिन अगर यहां पैराबोला ड्रॉ करना है तो कौन से मेथड से ड्रॉ करना है वो यहां पे दिया हुआ नहीं है। देखो क्वेश्चन में मेथड भी दिया हुआ नहीं है, तो जाहिर सी बात है मेथड ये आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा। पैराबोला ड्रॉ करने के लिए नंबर ऑफ मेथड्स है, जैसे पैराबोला बाय रेक्टेंगुलर मेथड या बोलो ऑब्लॉन्ग मेथड, दूसरा है पैराबोला बाय टेंजेंट मेथड, तीसरा है पैराबोला बाय डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस मेथड। तो यहां पर कौन सा मेथड यूज करेंगे, तो हम एक काम करते हैं, देखो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहां पैराबोला का सिर्फ बेस दिया है, ठीक है। ये देखो ये इस टाइप का जो पैराबोलिक कर्व बन रहा है उसका जो बेस है, बेस हमें पता है 7.5 मीटर, हाइट हमें नहीं पता, जबकि पैराबोला ड्रॉ करने के लिए आपको बेस और हाइट दोनों पता होना चाहिए। अगर आपको दोनों पता है तो आप आसानी से आप उसको फिर या तो बाय रेक्टेंगुलर मेथड या तो बाय टेंजेंट मेथड जो है वो पैराबोला ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन यहां पर हाइट दिया हुआ नहीं है, यहां पे सिर्फ इंक्लिनेशन एंगल दिया है, तो इंक्लिनेशन एंगल का यूज करके पहले हमें काम करता है, पहले हमें काम करेंगे बेस और एंगल यहां पे पहले ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि यहां पे कौन सा मेथड अप्लाई करना है। तो चलो बेस बनाते हैं 7.5 मीटर का, लेकिन ये मीटर में दिया है, जबकि आप जो ड्रॉइंग बुक में ड्रॉ करोगे या जो आप ड्रॉइंग शीट में ड्रॉ करोगे वो सेंटीमीटर में ड्रॉ करोगे। तो हमें काम करता है ये यहां पर हम स्केल ले लेंगे, क्या स्केल लेना है ये पूरा चॉइस आपका है, ठीक है। तो चलो हम यहां पर स्केल ले लेंगे, ठीक है, बाय टेकिंग स्केल। तो हमें काम करता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, ऐसा हम स्केल ले लेते हैं। अगर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर हम स्केल लेंगे तो 7.5 मीटर यानी 7.5 सेंटीमीटर ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो हमें इनडायरेक्टली यहां 7.5 सेंटीमीटर का बेस ड्रॉ करना है, तो चलो बेस बनाएंगे। तो ये देखिए ये हमने बेस लाइन बना दिए हैं, कितना 7.5 सेंटीमीटर का ये हमने बेस लाइन बनाया है, इसको हम नेमिंग दे देंगे, ये हम बेस को कहेंगे दैट इज ए बी, ठीक है।
और यहां पे जो हमने लिखा है नीचे ये 7.5 मीटर ऐसा लिखा है, आप भले इसको 7.5 सेंटीमीटर ऐसा लेके ड्रॉ किए हैं लेकिन आपको एग्जामिनर को शो करते समय ये मीटर के फॉर्म में ही शो करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में मीटर के फॉर्म में ही दिया है। ठीक है, तो ये बेस ड्रॉ होने के बाद अब यहां पे हम जो एंगल है वो हम ले लेंगे। एंगल कितना है, 45 डिग्री का एंगल क्वेश्चन में दिया है, तो चलो अब हम यहां पे 45 डिग्री का एंगल पहले ले लेते हैं। तो आपको 45 डिग्री का एंगल ए पॉइंट से लेना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको प्रोटेक्टर ले लेना है। तो ये हमने प्रोटेक्टर ले लिए, प्रोटेक्टर ये हम ए पॉइंट पे रखेंगे और यहां पे 45 डिग्री का एंगल लेंगे। तो ये हमने 45 डिग्री का एंगल ले लिए और ये 45 डिग्री एंगल पे हम क्या करेंगे, एक लाइन बना देंगे। तो ये देखिए हमने 45 डिग्री एंगल पे एक लाइन बना दी है, क्वेश्चन में जैसा लिखा था अ फाउंटेन जेट डिस्चार्जेस वाटर एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, तो ये हमने यहां पे शो किया है। और अब यहां पे पैराबोला जो हमारा बनेगा, पैराबोला का हाइट क्या है, जैसा हमने कहा था हाइट क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, तो हाइट यहां पे निकालने के लिए कुछ बुक्स में अलग अलग दिया है। देखो कुछ बुक्स में ये जो बेस है, बेस का सेंटर पॉइंट लेके यहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है और फिर यहां पे पॉइंट लेके एक ट्रायंगल बनाया है। या तो आप वैसा कर सकते हैं या तो एक काम करो, जैसा आपने ए पॉइंट पे इधर 45 डिग्री का एंगल लिए बिल्कुल वैसा ही आप बी पॉइंट पे भी 45 डिग्री का एंगल ले लो, उससे भी बिल्कुल वही बनता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो हम वही करेंगे, एक फिर से हमने प्रोटेक्टर ले लिए, प्रोटेक्टर ये हम बी पॉइंट पे रखेंगे और यहां पे हम फिर से 45 डिग्री का एंगल ले लेंगे। तो ये हमने 45 डिग्री का एंगल ले लिए और ये 45 डिग्री एंगल पे एक लाइन बना देंगे और यहां पे एक ट्रायंगल बन जाएगा, ये एक आइसोस्केलस ट्रायंगल रहेगा। तो ये देखिए बी पॉइंट पे भी हमने 45 डिग्री एंगल पे एक लाइन बना दिए हैं और ये दोनों 45 डिग्री वाली लाइंस यहां पे क्रॉस हो रही है, तो जहां पे क्रॉस हो रही है उसको हमने नाम दे दिए, दैट इज पॉइंट ओ। ठीक है, और यहां पे एक आइसोस्केलस ट्रायंगल मिल चुका है, यहां पे ओए और ओबी का लेंथ बिल्कुल सेम होगा। जब आप इसको स्केल से चेक करोगे तो ओए और ओबी का लेंथ कुछ 5.3 सेंटीमीटर के आसपास आएगा। ठीक है, ये आपको चेक कर लेना है, 5.3 सेंटीमीटर ओए और ओबी ऐसा आ सकता है। तो ये हमने एक ट्रायंगल बना दिया, लेकिन पैराबोला ड्रॉ करने के लिए कौन सा मेथड यूज करने वाले हैं वो अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। तो यहां पे एक ट्रायंगल बना, तो हम एक काम करते हैं यहां पे हम टेंजेंट मेथड का यूज कर लेते हैं। देखो यहां पे हम रेक्टेंगुलर मेथड इट मीन्स ऑब्लॉन्ग मेथड का यूज नहीं कर रहे हैं, वो इसीलिए क्योंकि यहां पे पैराबोला का हमें हाइट नहीं पता। रेक्टेंगुलर मेथड यूज तब होता है जब हमें पैराबोला का हाइट पता होता है, तो यहां पे कोई भी टाइप का हाइट यहां पे नहीं पता। तो हम एक काम करते हैं, यहां पे हम टेंजेंट मेथड का यूज करते हैं। टेंजेंट मेथड का यूज करके आप आसानी से ये ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल के अंदर से हम आसानी से पैराबोला ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो टेंजेंट मेथड का यूज करते समय रूल क्या है, रूल ऐसा है कि ये जो OA और ये जो OB है इसको हमें डिवाइड करना है, ये दोनों साइड को हमें डिवाइड करना है। कितने कितने पार्ट में डिवाइड करना है ये पूरा चॉइस आपका है, लेकिन रूल ऐसा है कि अगर आप टेंजेंट मेथड अप्लाई कर रहे हैं तो OA और OB को मैक्सिमम पॉसिबल पार्ट्स में डिवाइड करो। ये हमने इसके पहले के वीडियो में भी बताए थे, जो काफी इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि OA और OB को मैक्सिमम पॉसिबल पार्ट्स में डिवाइड करो। इसका मतलब जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा पार्ट में डिवाइड करो, जितना ज्यादा पार्ट में आप इनको डिवाइड करोगे उतना ही अच्छा पैराबोला बनेगा और जितना कम पार्ट्स में डिवाइड करोगे पैराबोला आपका अच्छा नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसका लेंथ कितना है वो हमने आपको बता दिया, इसका लेंथ लगभग 5.3 सेंटीमीटर आ सकता है। ठीक है, तो हम एक काम करेंगे, ये 5.3 सेंटीमीटर है तो हम इसको 10 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, इसको भी हम 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे, दोनों को 10-10 पार्ट में डिवाइड करेंगे। लेकिन दोनों को 10 पार्ट में डिवाइड करने के लिए स्केल का यूज आप डायरेक्टली स्केल से आप डिवाइड कर नहीं पाओगे, क्योंकि 5.3 बाय 10 करेंगे तो 0.53 सेंटीमीटर आएगा, तो डायरेक्टली स्केल से डिवाइड नहीं होगा। तो हम एक काम करेंगे, यहां पे कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, तो हम एक काम करते हैं, यहां से OA को डिवाइड करने के लिए यहां पे O से एक इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करते हैं, OB को डिवाइड करने के लिए भी एक इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करते हैं। कितने सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करेंगे, तो चलो हम एक काम करते हैं, यहां पे हम 5 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करते हैं इंक्लाइन। तो ये देखिए, ये ओ से हमने इधर एक 5 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ किए और इधर भी एक 5 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ किए, ये कितना डिग्री एंगल पे, इसका मतलब ये एंगल कितना है, ये आप कुछ भी ले सकते हैं एंगल, वैसे अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री के आसपास अगर आप लेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, आपको मेजर करके एंगल लेने की जरूरत नहीं है, आप अंदाजे से भी ले सकते हैं। और अब आपको क्या करना है, ये 5 सेंटीमीटर के लाइन को यहां पे 10 पार्ट में डिवाइड करना है और इसको भी 10 पार्ट में डिवाइड करना है। 5 सेंटीमीटर के लाइन को 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हर एक पार्ट जो है वो 0.5 सेंटीमीटर यानी 5 mm का आएगा। ठीक है, तो चलो ये हम पहले यहां पे डिवाइड कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये हमने दोनों लाइंस को यहां पे 10-10 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है और अब हमें क्या करना है, देखो ये जो फर्स्ट पार्ट है ये हमें बी से ज्वाइन करना है। ठीक है, और ये देखिए फर्स्ट पार्ट हम सबसे पहले यहां पे बी से ज्वाइन करेंगे, ये हमने ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, और अब आपको क्या करना है, रोलर स्केल या मिनी ड्राफ्टर जो भी आपके पास होगा उसका आप यूज कर सकते हैं। तो रोलर स्केल अब आपको क्या करना है, ये ऐसे लाइन को ऐसा पैरल सेट करना है और इसको यहां देखिए इसको एग्जैक्टली पैरल ये पार्ट से भी आपको एक लाइन ड्रॉ करना है और बिल्कुल इसी तरह से आपको सभी पार्ट्स
से यहां पे लाइन ड्रॉ करना है और ये सभी लाइंस बिल्कुल पैरेलल टू ईच अदर आना चाहिए। इसके लिए आप जैसा हमने कहा रोलर स्केल या मिनी ड्राफ्टर का यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये देखिए ये हम दोनों साइड में पहले ड्रॉ कर लेते हैं बिल्कुल पैरेलल टू ईच अदर। तो ये देखिए इस तरह से हमने ये सभी पार्ट से ऐसे पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर लिए हैं OA और OB के ऊपर। और ये जो कंस्ट्रक्शन है ये आपको फेन कंस्ट्रक्शन, इसका मतलब ये आपको फेन पेंसिल का यूज करके ड्रॉ करना है। अब इससे क्या हुआ, इससे ये OA और ये OB ये 10-10 पार्ट में डिवाइड हो गया। चलो अब इसको हम नेमिंग दे देते हैं। तो नेमिंग जो है वो आपको एक इसमें नीचे से ऊपर देना है तो दूसरे इसमें आपको ऊपर से नीचे देना है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये देखिए ये फर्स्ट, ये देखिए ये हम यहां पर लिखेंगे फर्स्ट, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, हम यहां पे इस तरह से नेमिंग दे देंगे। तो ये देखिए दोनों साइड में ये हमने नेमिंग दे दिया है, लेकिन जैसा हमने कहा था एक इसमें हमने नीचे से ऊपर दिया है, ठीक है, तो दूसरे इसमें हमने ऊपर से नीचे दिया है, ठीक है, ये हमने नेमिंग इस तरह से दे दिए। और अब इसके बाद क्या करना है, अब आपको स्केल का यूज करना है और ये देखिए ये जो वन है ये वन को ये वन से ज्वाइन करना है, ठीक है, फिर ये टू को टू से ज्वाइन करना है, थ्री को थ्री से ज्वाइन करना है, इसलिए हमने नेमिंग जो है एक इसमें नीचे से ऊपर तो दूसरे इसमें ऊपर से नीचे दिए ताकि आपको ज्वाइन करने में यहां पर आसानी हो। तो ये देखिए ये हम आपको एक दो पहले ज्वाइन करके बताते हैं। ये देखिए ये हमने यहां पर वन को ये हमने वन से ज्वाइन कर लिए, ये देखिए इस तरह से। अब आपको टू से टू, थ्री से थ्री, फोर से फोर, फाइव से फाइव, इस तरह से आपको पूरा नाइन तक ये आपको ज्वाइन करना है। तो चलो ये लाइंस पहले हम बना देते हैं। तो ये देखिए जैसा हमने कहा था हमने 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 ये सभी पार्ट्स को हमने ज्वाइन कर लिया है। और ज्वाइन करने का फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि हमें यहाँ पे एक कर्व मिल चुका है। देखो अपने आप ही हमें एक कर्व मिला है। तो ये क्या है, यही है पैराबोला जो हमें क्वेश्चन में ड्रॉ करने के लिए कहा था। इसके पहले रेक्टेंगुलर मेथड में या ऑब्लॉन्ग मेथड में हमें पैराबोला के लिए पहले क्रॉस सेक्शन पॉइंट्स फाइंड आउट करने पड़ते थे, फिर वो सभी क्रॉस सेक्शन पॉइंट्स को हमें फ्री हैंड या फिर फ्रेंच कर्व का यूज करके ज्वाइन करना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे कोई क्रॉस सेक्शन पॉइंट आपको नहीं मिलेंगे, यहां पे ये लाइंस ये सभी पार्ट्स को ज्वाइन करने के बाद अपने आप ही यहां पे एक पैराबोला बनता है। ये टेंजेंट मेथड की स्पेशलिटी है। तो फाइनली क्वेश्चन जो दिया था उसके अकॉर्डिंग ये उसका पूरा सॉल्यूशन बनेगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक फाउंटेन जेट है जो वाटर को यहां से डिस्चार्ज कर रहा है 45 डिग्री एंगल से, ठीक है, और यहां से वो वाटर जो है वो यहां पे फॉल हो रहा है और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 7.5 मीटर का वो ट्रैवल कर रहा है। तो वो हमने यहां शो किया है 7.5 मीटर। और आपको एंगल जो है सिर्फ एक ही साइड में शो करना है, दोनों साइड में आपने एंगल शो करने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये पूरा सॉल्यूशन बनके तैयार है। सॉल्यूशन यहीं पे कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि ये पूरा सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। ये सॉल्यूशन आपको अपनी ड्राइंग बुक में भी ड्रॉ करके देख लेना चाहिए। ये था पैराबोला बाय टेंजेंट मेथड, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 2। इसके पहले जो हमने इसका एक प्रॉब्लम लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए। और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।